ये यहाँ पे देसी स्टाइल में साग सरसों का बनाने जा रहे हैं, और आप देखिए इस तरह का साग बनाएं। मेरे सुनीता किचन ट्रेवल्स लाइफ में आपको हलवाई के घर से हूँ तो एक से एक रेसिपी साग की और अच्छे से अच्छी हलवाई जैसी मिलने वाली है, रेस्टोरेंट जैसी। देखिए भाई, कोई नहीं कहेगा कि ये साग देखिए एकदम येलो कलर और एकदम लाल लाल येलो कलर में दिख रहा है। सरसों का साग है और अपने गार्डन से थोड़ी सी मैंने मेथी ली है। ऑर्गेनिक मैं उगाती हूँ सब्जियाँ, ऑर्गेनिक खाते हैं। कैसे फ्री में छत पे गमले बनाएं और फ्री में ही कैसे सब्जियाँ उगाएं छत पर, एक से एक, वो भी एकदम मुफ्त में, फ्री में, और बहुत ही कम समय, कम सामान में, आप कम लागत में एकदम हलवाई जैसी रेसिपी यहाँ पे देखने के लिए। और कौन देखिए कहेगा कि ये कुकर में बना है, कौन नहीं कहेगा दोस्तों कि ये देखिए पंजाबी स्टाइल में नहीं बना है साग देखिए हमारा। और खाने में तो इतना टेस्टी होगा, इतना टेस्टी होगा कि बहुत ही ज़्यादा, जितना मैं इसकी तारीफ करूं उतना ही कम, क्योंकि मैंने इसमें मेहनत और प्यार से, जो लगन से, जो आप सबके लिए मेहनत से बनाया है ये, ठीक है। मेहनत से जो है हर चीज़ रंग ले कर आती है, या फिर खाना हो चाहे फिर कुछ भी हो, कोई भी काम हो, लगन से, मेहनत से। तो आप सबके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, आप इतनी मेहनत कीजिए कि जब तक इसे बनाने के लिए तैयार करने के लिए हम चलते हैं, चलिए लेने चलते हैं हम खेत में, खेत वाले की परमिशन से, तब तक हम आप अपने अच्छे अच्छे हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब, वीडियो को मेरी शेयर कीजिए। कौन कहेगा कि ये माटी की हंडी में और एकदम सिंपल तरीके से, मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं बना है, देहात में जैसे बनता है साग एकदम वही, कौन कहेगा कि ये देखिए हलवाई ने नहीं बनाया है। जी हाँ, मैं खुद हलवाई हूँ और मैं हलवाई की तरह ही मैंने बनाया है, कम लागत, कम समय में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह की रेसिपी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले चलते हैं हम खेत में साग लेने के लिए, तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट। देखो मैं आज आपको सरसों के साग के खेत में ले आई हूँ, आपको दिखाना दिखाना है बस मुझे लेना नहीं है यहाँ से, और लेने के लिए सॉरी, क्योंकि मैं किसी का नहीं ले रही हूँ मैंने गार्डन में उगा रखा है साग, तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ, देखिए कितनी सुंदर सरसों है यहाँ पे और कितना सुंदर प्यारा प्यारा साग, आप देख के है ना बिल्कुल एकदम इंटरेस्ट होने वाले हो। देखिए वाह, कितना बढ़िया साग है, एकदम बहुत ही बढ़िया है ये सरसों है। सरसों, इसमें तेल लगता है जो बंगा बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, तो ये सरसों का तेल, इसमें सरसों की फली आती है, फिर इसमें ये फूल खिला, देखो फिर फली आती है ना, तो तब इसका तेल निकलता है। यहाँ पे क्षेत्र आपने देखा हो या ना देखा हो तो मैं दिखा दूँ, ऐसा क्षेत्र आपकी तरफ कहीं है। तो यहाँ पर चलिए मैं सबसे पहले काट लेती हूँ मेथी को। मेथी की जड़ें मैं अलग, अपने जो जिस मिट्टी में मैं मेथी को बोती हूँ, सब्जियाँ बोती हूँ, उस मिट्टी में डालने के लिए किचन वेस्ट इकट्ठा करके रखती हूँ मैं, उसी में इसे डालूंगी, कूड़े पे मैं नहीं फेंकूंगी, यानी मैं कोई भी डस्टबिन में नहीं फेंकूंगी इसे। मैं कट कर लेती हूँ बारीक बारीक मेथी को, और इसे अच्छे से धोना है हमें, आप चाहें तो पहले धो सकते हैं, साबुत साग को धोना बहुत ही अच्छा होता है, काट के साग कभी ना धोएं, लेकिन आपकी चॉइस है। देखिए सारे गुण जो हैं साग में रह जाते हैं अगर आप साबुत साग को धो के और बाद में कट करते हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों लेट हो रही थी तो इसलिए मैं काटने के बाद धोऊंगी, क्योंकि अगर मैं काटने से पहले धोती तो मुझे वो पानी निचड़ने के लिए रख देना पड़ता। तो यहाँ पर मैं फ्रेश फ्रेश एक डाल से लेके आई हूँ, छुटा के साग को आपको दिखाया है मैंने, और यहाँ से जो बीच में ये हमारा फ्लावर्स होता है इसे निकाल लूंगी ऐसे ही एक एक डिंडी करके सबकी, देखिए एक एक करके निकाल लूंगी सबको, क्योंकि इससे कड़वाहट हो जाती है जो हमारा फ्लावर्स होता है, देखिए यह हमें निकालना ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका सभी का फ्लावर्स निकाल दिया है एक्स्ट्रा, और अब मैं इस तरह से पकड़ूंगी, बहुत ही आसान तरीके से ये इस तरह से देखिए साग कट किया जाता है। यहाँ पर इस तरह से लीजिए और यहाँ पर देखिए इस तरह से हम अब कट करेंगे। देखिए मेरी शादी से है ना ये दरांत, इसे साग काटनी दांती बोलते हैं, दराती बोलते हैं, आपके पास क्या बोलते हैं, आप किस जिले से देख रहे हैं वीडियो, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि
क्योंकि यहाँ पर आपको एक से एक बढ़िया रेसिपी की वीडियो एकदम वो भी कम समय में, कम कीमत में, कम सामान में मिलने वाली है, एकदम हलवाई रेस्टोरेंट जैसी रेसिपी का टेस्ट। तो यहाँ पर मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप साग को क्या बोलते हैं और साग काटनी दराती को क्या बोलते हैं। मेरे यहाँ पे दरात बोलते हैं इसे, और साग काटने की मशीन से कभी मुझे पसंद नहीं आता है साग काटना दोस्तों, तो मैं इसी से ही काटती हूँ। देखिए कितना अच्छा सा कट रहा है। और ये जब से शादी हुई है ना मेरी, मेरी शादी में मेरी मम्मी ने दिया था ये दराती मुझे साग काटने के लिए, जब से है ना इस पर कोई भी रेती नहीं लगाई है, ऐसी की ऐसे ही ये दराती चल रही है। 13 साल हो चुकी है और मैं इसी से साग काटती हूँ पहले से ही। जी हाँ दोस्तों, मैं इसी से साग कट करती हूँ। देखिए कितना अच्छा बारीक बारीक, इस तरह से हम बारीक बारीक काट लेंगे सबको। देखिए सभी को हम इस तरह से निकाल लेंगे, और देखिए साग हमारा कितना अच्छा है, देखने में एकदम बढ़िया लग रहा है सभी का। हम ये फ्लावर्स जरूर निकाल देंगे, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है खाने में दोस्तों। एक भी फ्लावर्स नहीं रहना चाहिए आपके साग के अंदर, ये देख सकते हैं। यहाँ से आपको निकालना ही होगा, ये फ्लावर्स होता है जिसमें हमारा बंगा लगता, मतलब तेल के लिए फ्लावर्स आता है ये बंगा का। और इस तरह से पकड़ेंगे, फली बनती है इसमें, फलियों के अंदर दाने आते हैं जिसे बंगा बोलते हैं, सरसों बोलते हैं, और उसी से फिर तेल बनता है। तो यहाँ पे फटाफट से जल्दी जल्दी से हम एकदम बढ़िया सा साग तैयार करते हैं। और अगर दोस्तों आप साग कट कर रहे हैं और आप चूल्हे पे बना रहे हैं ना, मिट्टी के चूल्हे पे और हांडी में, तो हांडी में आप पानी रख देते पहले, और उसके बाद आप साग कट करने रखते लगते आप सॉरी, क्योंकि हांडी गर्म होने में बहुत टाइम लग जाता है, और चूल्हे पे भी, मिट्टी के चूल्हे पे बनाने में, हांडी में वो भी मिट्टी की हांडी में बनाने में बहुत थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो इसलिए हमें पहले तैयार करके रख देना होता है। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ कुकर में, और देखिए ये फ्लावर्स रह गया था, इसे मैं निकाल दूंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारा साग को कट कर लिया है बहुत ही बारीक बारीकी से, और अब मैं इसे धो के डालने वाली हूँ, कुकर में जाने वाला है ये। तो चलिए धो के मैं इसे कुकर में डालने वाली हूँ। थोड़ा सा पत्ता हमारा बच रहा है, इस पत्ते को भी हम देखिए इस तरह से मैं इसे कर रही हूँ कट कर करने के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है साग को, वाओ एकदम फ्रेश फ्रेश है। और आज मैं बाहर से लेके आई हूँ परमिशन लेकर। तो चलिए यहाँ पर मैं पानी में धो रही हूँ, और धोने के बाद मैं कुकर में डाल ली हूँ। धो के निचोड़ते हुए मैं इस तरह से फला फला के इसमें डाल ली हूँ। अब ये जो हमारा साग धो के पानी निकला है ना, इसमें आधा साग का मिश्रण निकल गया है, मतलब ताकत निकल गई है। तो इसे आप साग को कोई भी सब्जी कटने से पहले धो लें तो अच्छा रहेगा। मैंने जल्दी की वजह से, क्योंकि निचाटने में भी देर लगती, इस वजह से मैंने धो लिया था, मतलब कट कर लिया था और अब धोया है। इसे भी मैं अपनी किचन वेस्ट में ही डालूंगी, फेंकूंगी नहीं इसे भी। अब इसमें हम देखिए ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करके तभी ढकना लगाएंगे हम, कुकर को बंद करेंगे, क्योंकि नीचे से ज़्यादा गल चुका है साग हमारा और ऊपर से कम, ऊपर से तो कच्चा ही है, मैं आपके सामने भी डाल रही थी। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ मैंने इसे दबा दिया है नीचे को, और अब मैं इसमें प्रेशर बनाने के लिए ढकना लगाने वाली हूँ। पर रुकिए दोस्तों, अभी नहीं, नमक का प्रोसेस इसमें बहुत ही ज़रूरी है। गलते समय आप नमक डाल दें, थोड़ा ज़्यादा ही डाल दें, क्योंकि साग को हम पसाने वाले हैं, तो पसाने के बाद में नमक हमारा कम हो जाता है। अब हम इसे प्रेशर कुकर को प्रेशर के लिए बंद कर देते हैं, साग में हम 2 सीटी लगने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक हमारी 2 सीटी लगने वाली है, आधा चम्मच मैंने मेथी दाना डाल दिया है, लहसुन डाल लूँगी, और ये जो हमारी कुछ हरी मिर्ची रखी हुई होती हैं
और ये देखिए इस कलर की हो जाती है। इसे आप जरूर साग में कोई सी भी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्ट बढ़ा के लेके आता है आपकी रेसिपी की। जो जान होती है ये ही एकमात्र होती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट इससे आता है दोस्तों। यहाँ पर मैंने अदरक को भी कट कर लिया है और इसमें डाल दिया है। ये हरी मिर्ची का प्रोसेस बहुत ही जरूरी है, मुलायम हरी मिर्ची है, एकदम सॉफ्ट है। और इन्हें मैं कब डालूंगी, कब डालनी चाहिए, इसे आप देखना, बिल्कुल मत स्किप कीजिए, छोड़ के मत जाइए वीडियो, नहीं तो आपका साग एक पॉइंट स्वाद में कम रह जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया है, अदरक ले लिया है और मिर्ची ले ली है ये वाली। अब भैया जब साग कढ़ी या दाल या रायता बन रहा हो तो साग के लिए तो यहाँ पर ये मिर्ची के बिना काम ही नहीं चलने वाला है। साग हमारा काफ़ी है तो थोड़ी सी ज़्यादा ही हमने, ज़्यादा भी नहीं ली है हम, क्योंकि तड़के में भी डालते हैं, ये हमने मिर्ची ले ली है। देखिए तो इस मिर्ची को के साथ अब हम थोड़ा पानी डालेंगे और अब हम इसे आलन के लिए तैयार करेंगे। आप चाहें तो हींग इसमें भी डाल सकते हैं, मैं लास्ट में डालूंगी। तो चलिए इसे मैं पीस लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने पीस लिया है इसे और अब हमारी दूसरी सीटी भी आने वाली है, यह है देख सकते हैं दूसरी सीटी हमारी आने वाली है। अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे। जब तक हमारी दूसरी सीटी आ रही है तब तक हम जो हमारे साग में डालने वाला एक बढ़िया सा नुस्खा है ना, इसे तैयार कर लेंगे। मैं बारीक बारीक सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम मुलायम सी एकदम फ्रेश सी अपने गार्डन की हरी मिर्ची काट के रख लूँगी। इन्हें मैं तड़के में नहीं डालूंगी, तड़के में मैं लाल मिर्च कब डालूंगी और कौन सी चीज़ से पहले डालनी चाहिए, बाद में डालनी चाहिए, ये देखिए लहसुन के बाद में डालनी चाहिए। तड़के को मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, इससे बहुत ही यूनिक हमारा तड़का बन के आता है, कोई भी ऐसे नहीं बताएगा आपको और कोई भी सीक्रेट राज नहीं बताता है, अपने रेसिपी के अकॉर्डिंग कोई भी नहीं बता पाता है, मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मिर्ची को कट कर लूँगी, बारीक बारीक कट कर लूँगी, थोड़ा सा अदरक अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अदरक को, इस तरह से कुछ मैंने कट कर लिया हरी मिर्च। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसका थोड़ा पानी अलग कर लूँगी और देखिए देख लेती हूँ कि गल गया, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है ये, तो बहुत ही ज़्यादा गल गया है, इतनी तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी, और दो सीटी में इतना ज़्यादा गल सकता है। तो इसे अब हम पसा लेंगे, इस पसाए हुए पानी को हम किचन वेस्ट में डालेंगे, हम नाली में नहीं फेंकेंगे। देखिए और इस पसाने की वजह से हमारे साग में पानी कम होने की वजह से नमक भी कम हो गया है, तो इसमें हम नमक बाद में डालेंगे लेकिन पहले हम इसे घोट लेते हैं। तो चलिए अब मैं इसे घोट लेती हूँ और ये मैंने घोटना लकड़ी का है, इसे मैंने धो के रख दिया था पहले, देखिए कितना अच्छे से गल गया है, अच्छा घुट जाएगा। अगर आपका साग कम घुटा है तो आप फिक्र ना करें, आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं इसे। मैं तो ऐसे ही एक्सपर्ट हूँ और मैं इस तरह से ही, मुझे नॉलेज है, मैं इसे घोट के एकदम बारीक कर लेती हूँ, देखिए मिनटों में। तो देखिए अब मैंने इस तरह से घोट लिया है और इतना घोटने के बाद हमें क्या करना है कि इसमें आलन लगाना है, आलन लगाने के बाद में हमें इसे घोटना है अच्छे से थोड़ा सा। मैंने आलन के लिए गर्म पानी रख दिया था साइड में गर्म होने के लिए और मैं थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डालूंगी, थोड़ा डालूंगी अभी पहले, और सबसे पहले मैं इसमें डालने वाली हूँ, देखिए मक्का का आटा मैंने डाल दिया इसमें 200 ग्राम के करीब, पहले डाल दिया था, थोड़ा सा अब डाल दिया है, तो 200 ग्राम मैंने मक्का का आटा डाला है। अभी अच्छे से हमारा साग आलन लग चुका है और यहाँ पे अच्छे से घुट जाएगा। देखिए गाइस अगर साग आपका घुट नहीं रहा है ना, तो सबसे बढ़िया बात यह है कि मैंने अभी गैस पे रखा है, आप भी गैस पे रख लें इसे आलन देने के बाद, और इसे इस तरह से उतार के भी घोट सकते हैं और चूल्हे पे भी घोट सकते हैं। तो मैं नीचे उतार के घोट रही हूँ इसे। अब देखिए हमने अच्छे से घोट लिया है, अब क्या करना है हमें, देखिए ये जो हमारा आलन के बाद गर्म पानी डालेंगे इसमें, ठीक है, गर्म पानी के बिना आप ठंडे पानी में, ये ठंडे पानी में पीसते हैं तो ठंडा बिल्कुल ना डालें, ये गलती बिल्कुल ना करें, इस तरह से गर्म पानी में डालें इसे, देखिए इस तरह से कुछ, और उसके बाद में आप इसमें थोड़ा सा घोटा लगा दें। अब ये बिल्कुल तैयार है, अब आप
आखिरी प्रोसेस बिल्कुल ना छोड़ के जाएं साग का, नहीं तो आपकी वीडियो स्किप होने से आपका टेस्ट भी स्किप हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं देखिए सारे आलन को इस तरह से धो चुकी हूँ और डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पे यही प्रोसेस बढ़िया था और इसे अब मैं घोटती हूँ अच्छे से थोड़ा, ठीक है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा चेंज हो गया है, साग का हमारा येलो येलो और लाल कलर हमारा एकदम निकल के आ रहा है। देखिए देखिए कितना अच्छा, और डॉगी भी बोल रहा है कि हाँ ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने चटनी की तरह साग को घोट लिया है। थोड़ा सा हींग है आप देख सकते हैं ये, है ना, अदरक है चॉप किया और हरी मिर्ची मैंने आपको दिखाई है। और उसके साथ में मैं इसे पानी को भी थोड़ा, पानी क्योंकि थोड़ा कम है अभी हमारा जो आलन है उसके लिए मैंने पानी काफ़ी नहीं रखा था, अब मैं इसे घोटते हुए चूल्हे पे रखूंगी। तो ठीक है गैस मैं करती हूँ ऑन और यहाँ पर रखती हूँ गैस के ऊपर, थोड़ा गर्म पानी और डालूंगी क्योंकि ये आलन जो होता है फूलता है। तो गैस को ऑन किया और यहाँ पर चूल्हे पे जा रहा है ये। तो अब क्या होगा कि ये मैंने गैस ऑन करके जो देखिए रख दिया है, गैस चालू किया है मैंने और रख दिया है, ये पकता भी रहेगा और बहुत ही अच्छी स्मेल हमारे साग में आ रही है। और ये देखिए कलर भी इसका बहुत ही अच्छा हमारा एकदम यूनिक आया है बनके, जैसा एक साग होना चाहिए भरी सर्दियों में। तो यहाँ पर पकता भी रहेगा और मैं इसे घोटती भी रहूँगी तो पानी अलग और साग अलग हमारा बिल्कुल नहीं होगा, इसका ये फ़ायदा होता है। देखिए मैं इस तरह से तब तक घोटूंगी जब तक इसमें भाप ना आने लगे और इसमें थोड़ा सा उबाल सा सॉरी इसमें खदका ना लगने लगे, है ना, उबाल इसमें नहीं आएगा क्योंकि दूध नहीं है, उबाल कढ़ी में आता है दरअसल। तो देखिए येलो येलो कलर का एकदम साग हमारा पक भी रहा है और मैं इसे घोट भी रही हूँ, और मैंने इसे एक मिनट घोटा है सिर्फ रुक रुक के। और देखिए ये होता है साग, ये देखिए इसमें आपको देखने में इतना बढ़िया नहीं लग रहा होगा लेकिन खाने में है ना जब आप खाओगे ना, क्योंकि वीडियो में जितना अच्छा होता है ना हमारा जो हम कुछ भी प्रोडक्ट बनाते होते हैं, कोई भी सामान कोई भी रेसिपी जितनी अच्छी होती है ना नेचुरल तरीका इसका देखने में, अब मुझे लग रहा है इतना आपको वीडियो में नहीं लग रहा है। तो इसीलिए देखिए, और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है यहाँ पर, मैंने जो अदरक और हींग हरी मिर्च जो मैंने कट करके डाली है ना बाद में, बहुत ही अच्छी इसमें स्मेल लेके आ रही है और बहुत अच्छा हमारा पक गया है साग। अब हम मक्का की रोटी बनाएंगे लेकिन मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। मैंने आपको साग बनाने का एक नेचुरल तरीका और बढ़िया तरीका पंजाबी स्टाइल में कैसे बनाएं देसी तरीका एकदम, वो भी कुकर में बना के दिखाया है कम से कम समय में, ये तो मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ। तो मेरे चैनल से आप जुड़े रहें, ये देखिए तड़का लगाइए, आप मक्खन से खाइए या फिर आप घी से खाइए या फिर आप सिरके की मिर्च और सिरके के चंदे होते हैं मूली के उससे खाइए, आप कैसे वैसे पसंद करते हैं साग को खाना, आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, आप पसंद करते भी हैं या नहीं, तो प्लीज़ दोस्तों मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके आपको पसंद है साग या नहीं। तो यहाँ पर मैंने खाली सरसों का साग और अपने जो गार्डन से ऊपर से लेके आई हूँ मैं मेथी, अब वही डाला है मैंने। देखिए चलिए दोस्तों साग में तड़का लगाने के लिए मैंने एक चम्मच यहाँ पे घी ले लिया है, आप चाहें तो घी कर सकते हैं, तेल ले सकते हैं सरसों का, लेकिन सरसों का तेल आप जरूर लें। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा सरसों का तेल लूंगी, थोड़ा सा लूंगी एक चम्मच के करीब, ठीक है। तो यहाँ पे घी और तेल के बाद में लहसुन डाल दूंगी, लहसुन को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन जरूर कर लें, कच्चा ना रहने दें, देखिए सफ़ेद नहीं होना चाहिए लहसुन। अब हम यहाँ पर लाल मिर्ची डाल देंगे और इन मिर्ची को हम काला होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस को बंद कर दिया है मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं मिर्ची हमारी काली हो गई है, नहीं तो धसका हो जाता है अगर मैं बंद नहीं करती तो। तड़का हमारा लीजिए रेडी है, जो साग का हमारा तड़का है देखिए मैं आपको कितना अच्छे से दिखा रही हूँ, आप भी ऐसे ही अच्छे से मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मुझे प्यार दुलार दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए आप सबकी फैमिली और आप सबका प्यार भरा कमेंट चाहिए और आप पूरी मेरी वीडियो देखें, बस यही चाहिए मुझे। तो चलिए अब हम साग लेंगे और यहाँ पे तड़के में डाल देंगे। तो यहाँ पर तड़का मैंने रोक लिया है
उछट के जा रहा था दूर दूर, और साग इसमें डाल लेंगे जो अपने खर्चे के अकॉर्डिंग। आप भी खाइए इस तरह से। और देखिए मैं पहले नमक डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने कुकर में अलग नमक डाल दिया है, और स्वाद अनुसार इसमें भी हम डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अब हमें इसे कोई भी पकाने की जरूरत नहीं है। लीजिए साग हमारा तैयार है एकदम बढ़िया बढ़िया तड़के के साथ। ये देखिए साग हमारा एकदम तैयार है।